बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुझे साबर, उम्मीद करा तो सारे ठीक ठाक होवोगे। ते जेहड़ा ना भाई मुबारक होरां दी ना, इत्थे सी नगर दे नगर पिंड है, ते इत्थे सी आए हैं ना, ते भाई मुबारक होरां दी वीडियो बनाउण रहे हां सी रैसपी। ते उन्हां दा सही गल अंदर दा माहौल वेख के, बैठक वेख के, मैं कहा तुहानूं वहाना चाहीदा, जिस तरह मतलब मेहमान नवाजी करन दे ने, तुहानूं वहाना अंदर जाके जे सही लगे कमेंट करियो, जे सोहना लगे उन्हां दा घर। ते देखो ये अजे फिटी ऐली रैसपी सी बनाउण आए, हजे तोड़ के रखी ऐस कली रेत दे विच पक्की। भाई मुबारक होने चैनल चैनल दस्सिया किस तरह नाल शरबत जेहड़े ना साढ़े पास इन्हें सूजी पता नहीं आवेदा कुछ कहें सूजी कहें इत शरबत कहें लून लून भी नाल खाना चीनी सेब सेब इन्हों के इतने अपने होंगे ने। तो चेक करो कैसा मस्त माहौल, तो मिठे चौल है ना। हाँ आ जा कैमरा छड़ दे, खा पी ला कुछ। आने टेस्ट हम इसको करेंगे चाय के साथ। और यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि जब भी चाय पेश की जाती है नमक और चीनी दोनों चीजें साथ रखी जाती हैं। कुछ लोग जो है वो नमकीन चाय पसंद करते हैं यहाँ पे, और कुछ चीनी वाली। तो आप हसबे जायका या अपनी मर्जी के मुताबिक जो है दोनों चीज़ों में से जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और ये हमारे पास चीनी भी आ चुकी है और नमक भी आ चुका है। अच्छा, तो चाय जो है वो डाल लेंगे कप में। इसको खोलना पड़ेगा, सॉरी मुझे आइडिया नहीं था। जेब जितनी पीनी है बता देना भाई, जिनी मर्जी पा रहे पी जानी। अच्छा, जेब चाय का शिदाई लगता मुझे। करा गया भाई, एडा सोना होया। शब्द भाई जितनी पीनी है बता दीजिए, मैं तुम डाल। क्या चीज डालेंगे, चीनी नमक? नहीं नमक डालूंगा, नमक डालेंगे। जेब साहब तुम्हें की पाओगे, तो पता तो है दुनिया जी पी लो। नहीं चीनी नहीं यार, देख ला फिर। नहीं नहीं चीनी बड़ी है नहीं कि ये चम्मच खड़ा करना है। तुसी अपने पाओ, अपने चा भी पाना। यार देखो सी हां जी भाई जी, चीनी है घर के देसी दूध वाली है, नहीं अपने का सही और अभी हम इसको करते हैं टेस्ट। और खाने के लिए नाश्ते के तौर पे ये इस्तेमाल की जाती है। और नाश्ते में ये फिटी के अलावा हमारे लिए और भी काफी सारी चीजें आ चुकी हैं जो जिनसे हमने नाश्ता करना है। तो वैसे मेरा जो पक्का इरादा है वो मैं फिटी के साथ ही नाश्ता करूंगा। जुहेब जो है उसके लिए वो शरबत भी आया हुआ है, सेब भी आए हुए हैं, और भी बहुत कुछ आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, और इसका जायका ऐसा मुझे महसूस हुआ है जिस तरह हमारे वालदा और दादी जो है वो तंदूर में रोटी लगाया करते थे। तो जो रोटी तंदूर के अंदर तैयार होती थी उसका जो जायका होता था सेम वैसा ही जायका इसका, मगर ये नरम ज्यादा, वो जरा पतली होती थी और थोड़ी सख्त होती थी, मगर ये नरम है, इसके मोटाई ज्यादा है। तुसी वेंदे हो ना, फिर मेरे को सही खादा नहीं जाता, बाद में मैं खा पी के बाद गल करांगा। ते हुण जरा अस चले आ वापस होटल च, भाई मुबारक होरां दी वीडियो बन गई है रैसपी की। तो तुहानूं बस मैं यही वाहना ही इत्थे किस तरह मतलब बिठाते हैं, किस तरह सेवा करते हैं। तो उम्मीद करना छोटा सारा ब्लॉग चंगा लगा हो, चंगा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों नाल, मेरा जरा जेहे पिंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, अल्लाह हाफिज़।